please subscribe to my channel and press the bell icon to get notification. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका क्या हाल है? उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम और आपकी दुआओं से खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुहम्मद व आले मुहम्मद के सदके हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम अर्जी और समावी अफात से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। के साथ जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो कद्दू हांडी कबाब है। इसके लिए मैंने 1 किलो कद्दू लिए हैं और इनको कद्दूकश कर लिया है, कपड़े में डाल के इनको निचोड़ लिया, इनका पानी सारा निकाल दिया। ये मैं इस डोंगे बड़े में डाल दूँगी, ये बहुत मज़े के बनते हैं। और ये एक प्याज इसको चॉपर कर लिया, चॉप कर लिया छोटा छोटा। 1 चम्मच जो है लहसुन का पेस्ट है और 1 चम्मच सब्ज़ मिर्च है, ये डाल दूंगी। और ये 1 स्पून जो है ये खुश्क धनिया है, मोटा मोटा इसको पीस लिया, दरदरा कर लिया। और ये मेथी है और उसके अलावा दरफर मिर्च, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं जितनी खाना चाहते हैं, काली मिर्च और नमक हसबे ज़रूरत। इन सब को मिक्स कर लूँगी। और ये बेसन है, ये आपने साथ साथ डालते जाना है और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना डालना है। फ्राई करने से पहले थोड़ा सा डाल के फ्राई कर लें कबाब को बना के, कि अगर वो टूटता है तो उसमें मज़ीद डाल लें। और ये मैदा, ये 2 चम्मच डालूँगी। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये सारा मैंने मिक्सचर जो है बना लिया, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना क्योंकि कद्दू का और प्याज का भी अपना पानी है और इसको भी मैंने भी अच्छी तरीके से निचोड़ा था। इसके बावजूद ये देखे इसमें पानी ज़्यादा है। इसको आप कोई भी शक्ल दे सकते हैं, कोफ्ते की शक्ल दे सकते हैं, इस तरह ये वाली शक्ल दे सकते हैं, मुट्ठी में लेकर उसको ऐसे करके गोल में बना सकते हैं और उसके अलावा कबाब की शक्ल जो शेप देना चाहिए आप कर सकते हैं। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, तेल उसमें डाल दिया है कि वो अच्छी तरीके से ऑयल गर्म हो जाए। ऑयल गरम हो गया, मैं इसमें कबाब डाल देती हूँ। ये एक तरफ से ब्राउन हो गए हैं, अभी इन्हें मैं पलट लेती हूँ। मैंने फ्राई कर लिए हैं और निकाल लिए हैं, अब मैं ग्रेवी बनाऊंगी। कढ़ाई मैंने रख ली है तो इसमें लहसुन डाल दिया है, इसको ब्राउन करूंगी, फिर इसमें प्याज डालूंगी, उनको अच्छा सा ब्राउन करना है। ये लहसुन ब्राउन हो गया, मैं प्याज डालूंगी। ये 3-4 प्याज मैंने लिए, इसको स्लाइस में काट लिया। अब इसमें मैं ये 3 टमाटर लिए हैं, इनका छिलका उतार लिया है, इनका पेस्ट बना लिया, अब ये डालूंगी। और
डाल दिया। और ये एक चम्मच जो है सुरख मिर्च पाउडर है, दो चुटकी कलौंजी, नमक, हसबे जायका और हल्दी। और ये जो है खुश्क धनिया है, अब इसमें मैं एक प्याली दही भी ऐड कर दूंगी। अब इसको अच्छे तरीके से भूनना है मसाले को, फिर इसमें कबाब जो मैंने बनाए हैं वो इसमें ऐड कर दूंगी और इसको 10 मिनट पे के लिए दम पे रखूंगी। मान रहा हूँ ये मसाला जो है भुन गया, इसकी अच्छे तरीके से बुनाई मैंने कर ली है। अब इसमें मैंने जो कबाब बनाए हैं जायका के मैंने निकाल लिए, इनको डालूंगी और थोड़ा सा पानी का छींटा दूंगी और इन्हें दम पे रख दूंगी। मांग रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे कबाब बहुत अच्छे बने हैं, बिल्कुल टूटे नहीं हैं। इनकी एक वजह ये भी है कि आप कोई चीज़ बनाते हैं तो इनमें एक चम्मच या दो चम्मच जो है मैदा डाल दो, उससे चीज़ कबाब वगैरह टूटते नहीं है। आलू की टिक्कियाँ बनाते हैं वो अक्सर टूट जाती है, उनमें डाल लें मैदा डाल लें थोड़ा सा, वो बिल्कुल नहीं टूटेंगी। अब मैंने डिश आउट कर लेती हूँ। कर ली है, एक शिमला मिर्च थी तो वो भी मैंने दम पे जब रखी हैं तो वो डाल दी थी। अब इसमें हरी मिर्चें और ये अदरक के स्लाइस इस पे डाल देती हूँ। ये हमारे कद्दू हांडी दम कबाब जो है तैयार है, मैंने सर्व कर लिया, डिश आउट कर लिया है। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि दिल से कभी दूसरों के लिए दुआ मांग कर देखो, अल्लाह ताला से आप लोगों को अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।